हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 17 मार्च 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले फेडरल बैंक में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन फेडरल बैंक में हमें 5.24% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 98.35 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वॉल्यूम की तो वॉल्यूम एवरेज समय आज के दिन जो वॉल्यूम देखने मिल रहा है कैंडल यहाँ पे मीडियम से ऐसी कैंडल हमें बनती हुई देखने मिल रही है जहाँ पे दोनों साइड में हमें विक जो है देखने मिल रही है। बात करूँ अगर मैं यहाँ पे आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे आप देख सकते हैं 54-55 के आसपास जो आ चुका है जो जरूर यहाँ पे जो है हमें स्लाइट एक नेगेटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है यहाँ पे हमारे लिए जो है फिलहाल यहाँ पे पूरा का पूरा जो पॉजिटिव हो चुका है, मतलब स्टॉक हमें एक अपसाइड मूवमेंट जो दे सकता है। फिलहाल यहाँ पे हमें जो है 102 तक इजिली एक अपसाइड मूवमेंट जो देखने मिल सकता है, इवन उससे थोड़ा ऊपर मतलब 103 या 104 तक हमें यहाँ पे स्टॉक जो अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। लेकिन फिर वहां से एक थोड़ा सा यहाँ पे हमें पुल बैक देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टॉक में ट्रेंड जो है करंटली अभी जो है यहाँ पे फिलहाल जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन बहुत ही कट टू कट यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 EMA और 50 EMA जो चल रहा है बहुत ही यहाँ पे जो है कम मार्जिन के साथ अभी जो है 20 EMA 50 EMA का यहाँ पे जो डिफरेंस है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा जब स्टॉक में कॉशियसली काम करें क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड आया है। यहाँ पे अचानक से जो है स्टॉक यहाँ पे जो हमें एक डाउन साइड ट्रेंड जो है हमें मतलब दे देगा और यहाँ पे फिर जो है 200 EMA तक जो है 20 EMA को क्रॉस करते 200 EMA तक हमें जाते हुए देखने मिलेगा। तो इसकी वजह से मैं कहूँगा थोड़ा सा आप जो है फिलहाल यहाँ पे जो कुछ दिनों के लिए मतलब कल के लिए और फिर मंडे के लिए यहाँ पे जो दो दिन आप देखिए किस तरह से स्टॉक जो है परफॉर्म करता है और फिर उसके बाद ही यहाँ पे जो है अपना ट्रेड ले। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं कल के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी स्टॉक में होती है उसका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं आपको जरूर जो मार्क करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप जो है सेम टू सेम अपने चार्ट में यहाँ पे जो मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में। तो जरूर जब यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे कर ले। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ ही जो है हमने ऑलरेडी जो है सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस मार्क किए हुए थे। तो यहाँ पे फिलहाल हमने जो है जो मार्किंग नहीं की थी जो नया डेटा देखने मिल रहा था उसके बेसिस पे भी हमने मार्किंग जो है कर ली है। बात करते हैं इसके क्लोजिंग की तो क्लोजिंग 98.35 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 97.30 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है 99.10 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है
तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको जो है कन्फर्मेशन कैंडल देखने, किस तरह से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। बाकी अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले इंपॉर्टेंट, मैं आपको दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 94.75 का, उसके बाद का आता है 92.50 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 101.05 का, उसके बाद का आता है 102.95 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो यहाँ पे अपना कल के दिन का जो है ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में कल के लिए यहाँ पे जरूर जो है एक तरह से नेगेटिव साइड का जो बन रहा है, मतलब स्टॉक में हमें थोड़ा सा जो डाउन साइड देखने मिल सकता है, मतलब यहाँ पे हमें स्टॉक जो है 97.30 तक इजीली गिरते हुए देखने मिल सकता है, और फिर अगर यहाँ पे इसको क्रॉस किया तो कन्फर्मेशन कैंडल आप जरूर देखेंगे, कन्फर्मेशन कैंडल हमें कन्फर्मेशन देगी तो यहाँ पे 94.75 तक भी आ सकता है, लेकिन हाई चांस है यहाँ पे आपको कल के दिन कन्फर्मेशन ना मिले और 96 तक यहाँ पे स्टॉक जो है हमारा जाए और 97.30 के बीच में हमें क्लोजिंग दे दे, मतलब 94.75 से 97.30 के बीच में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है, लेकिन कल के दिन स्टॉक में नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने मिल सकते हैं, बहुत ही हाई चांस है कल के दिन स्टॉक में जो है नेगेटिव क्लोजिंग आपको देखने मिले। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।